बच्चों अब एक और ख़तरनाक बीमारी एड्स के बारे में जानते हैं एड्स का नाम जैसे आपने पहले भी सुना होगा और इसका फुल फॉर्म भी आप जानते होंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम यह जो बीमारी है वो प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता से संबंधित बीमारी है और एड्स जो है वो आ, कहना चाहिए कि इसकी शुरुआत जो है यानी कहना चाहिए सबसे पहले जो आ, पता चला था वो अमेरिका में 1981 में इसका सबसे पहले पता चला था और वैज्ञानिकों का मानना था कि यह बीमारी जो है अफ्रीका में चिमपेंजी से मनुष्यों में आई और फिर वहाँ से आ, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है वो फैल गई जैसे आप अभी कोरोना वायरस को भी जान रहे हैं कि चीन से इसकी शुरुआत हुई थी और पूरे वर्ल्ड में जो है ये फैल चुका है ये भी वायरस के थ्रू होता है और एच भी जो है ये एड्स जो है वो भी वायरस के थ्रू होता है अब ये एड्स जो है एक्चुअली कहना चाहिए इसकी जो शुरुआत है वो पता नहीं चलता है जिस भी व्यक्ति को होता है तो कहना चाहिए जो व्यक्ति है वो पेशेंट जो है वो सामान्य जीवन जीता है और धीरे धीरे जो है यदि किसी को ये हो गया है यानी एच बीमारी एच जो है वो वायरस के थ्रू जो होती है वो हो गई है तो धीरे धीरे उसका जो इम्यून सिस्टम है यानी प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो प्रभावित होता है उसकी जो टी सेल्स हैं उसको जो है वो वायरस जो है वो ख़त्म करते जाता है और ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसका आगे का जीवन जो है वो बहुत कठिन हो जाता है और इसका कहना चाहिए एंड जो है वो डेथ के रूप में होता है तो इसका जो है सटीक इलाज नहीं है तो अवेयरनेस इज द ओनली ट्रीटमेंट केवल जानकारी ही इसका उपचार है या कहना चाहिए इससे बचाव जो है वो हम जागरूकता के जरिए अवेयरनेस के जरिए जो है वो कर सकते हैं अब ये जो बीमारी है उसका कॉज यानी कारक जो है जिसको हमने जाना कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी जो है ये वायरस वायरस के थ्रू होता है ये वायरस जो है रिट्रो वायरस जो एक ग्रुप है उसका एक ये सदस्य है और uh, अब ये जो वायरस है इसके लक्षण क्या हैं ये भी जानना ज़रूरी है तो ये लक्षण जो है एक्चुअली uh, कहना चाहिए ये आर एन जो है आर एन युक्त होता है आप ये जो जैसे पिक्चर देख रहे हैं इसका बाहरी परत जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है और बीच में जो है मिडल लेयर एक प्रोटीन की रहती है और अंदर में जो आप जैसे देख रहे हो कि इसके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के दो अणु होते हैं तो ये जो वायरस है इस तरीके से जो एंटर करता है बॉडी में और प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है इसकी पहचान कैसे होती है तो जैसे मैंने बताया कि छः से आठ साल तक ये चुपचाप निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है और चूंकि कोई सिम्टम दिखते नहीं हैं तो इसलिए कोई जो भी है वो पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता भी नहीं है लेकिन ये इतने सालों तक वो क्या करता है जो हेल्पर टी सेल्स हैं बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इम्यून सिस्टम का ये टी सेल्स तो इसको भी हमने इम्यून सिस्टम में यानी जो प्रतिरक्षा तंत्र में इसको पढ़ेंगे हम तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसको ही ख़त्म करते जाता है क्योंकि इसके जरिए जो है एंटीबॉडीज बनती हैं तो जब इसको ही खत्म करता है तो एंटीबॉडीज का निर्माण जो है वो प्रभावित होता है तो इस तरीके से जो है प्रतिरक्षा तंत्र जो है धीरे 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 आ, वीक होता जाता है अब इस वीक होने की कंडीशन में बाकी और भी जो भी अब चारों तरफ तो कितने सारे वायरस बैक्टीरिया हैं बहुत सारे पैथोजेंस हैं तो इनके बॉडी में एंटर करने और फिर इन्फेक्टेड करने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कहना चाहिए क्योंकि वीक इम्यून सिस्टम हो गया और इम्यून सिस्टम वीक होने से जो है बहुत ज़्यादा और बीमारियां होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इसकी पहचान जो है वो दो टेस्ट के जरिए की जाती है आ, ब्लड में पहले तो है जो सीरम है उसमें एक तरह के का यानी विशेष तरीके का एंटीबॉडीज यदि उपस्थित है दैट मीन्स वो एच का ही आ, कहना चाहिए जो उपस्थित होता है वो एंटीबॉडी उपस्थित रहता है तो उसके जरिए वो टेस्ट किया जाता है और एलिसा टेस्ट है एक और है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट जो है उससे जो है कन्फर्मेशन किया जाता है आप जैसे केमिस्ट्री में कोई टेस्ट करते होंगे तो पहला एक इनिशियली लेवल पे टेस्ट होता है देन सेकंड जो है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है तो इस तरीके से ये भी जो है दो टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए ये आ, यदि ये पॉजिटिव होता है तो फिर उस व्यक्ति को एच पॉजिटिव कहा जाता है बच्चों एड्स के ट्रांसमिशन की बात करते हैं जैसे हमने जाना कि एच आई जो वायरस है वो बॉडी में एंटर करता है और छः से आठ सालों तक ये निष्क्रिय रूप में पड़ा रहता है अब जैसे ये एंटर करता है तो बॉडी में हमारी एक स्पेशलाइज सेल होती हैं वो मैक्रोफेजेस हैं आप जैसे ये पिक्चर में देख रहे हो तो ये जो सेल हैं इनका काम जो है वो जो हमारे बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया या अदर ऑर्गेनिज्म जैसे ही एंटर करते हैं तो उनको ये पहचान करती है और उनको ख़त्म करते जाती है तो अब ये वायरस जो है वो कहाँ एंटर कर रहा है इस मैक्रोफेज़ स्पेशलाइज्ड सेल में एंटर करता है अब जैसे ही ये एंटर करता है इसका जो आर है यानी इस वायरस का जो आर है उसका जो आर जीनोम जो है इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है तो ये रिवर्स जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से जो है ये वायरल डीएनए बनाता है यानी उसको रिप्लीकेशन का काम करता है अब जैसे ही ये वायरल डीएनए बनता है तो ये होस्ट सेल के डीएनए में एंटर करता है मतलब डीएनए में जैसे ही वो आ, केंद्रक में एंटर किया और डीएनए को अपने कंट्रोल में ले लेता है अब उस डीएनए को उसके तरह की कॉपी बनाने को वो निर्देशित करता है अब आप ये देख रहे हो कि ये जो सेल है जिसमें न्यूक्लियस का और डीएनए का कंट्रोल होता है अब ये कंट्रोल किसके पास चला जाता है वायरस के पास चला जाता है तो अब ये क्या करता है कि ये जो वायरल डीएनए है आ, इस होस्ट डीएनए को उसकी कॉपी बनाने को कहता है यानी कि बहुत सारी फिर इसकी जो है कॉपियाँ बनती जाती हैं विषाणु कण जो हैं उसके वो बनते जाते हैं अब दूसरी तरफ जो ये विषाणु कण अब कहना चाहिए ब्लड में आ, सर्कुलेट हो जाते हैं और फिर ये हेल्पर टी सेल्स हैं ये एक तरह के लिम्फोसाइट सेल्स हैं आ, उनमें ये घुस जाते हैं और फिर वहाँ भी इनकी कॉपीज बनते जाती हैं तो इस तरह से ये एच फैक्ट्री का, का काम करते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ये वायरस जो है वो पैदा होते जाते हैं और कहना चाहिए कि ये ओवरऑल पूरी बॉडी में फैल गए और जो हेल्पर टी सेल्स हैं उसको ख़त्म कर देते हैं मैक्रोफेज सेल को भी धीरे धीरे ख़त्म करते जाते हैं तो इस तरीके से जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है जो लिम्फोसाइट्स के जरिए जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं यानी जो बी और टी सेल्स हैं तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण जो है वो प्रभावित होता है और प्रतिरक्षा तंत्र जो है वीक होते जाता है अब इस कंडीशन में कहना चाहिए जो रोगी है उसको बार बार दस्त और बुखार आते हैं तो ये पहला लक्षण कह लो कि यदि ये लगातार यदि ये फीवर है हम आगे और कैंसर की भी बात करेंगे तो इसके पहले मैंने संक्रामक रोगों की भी बात की थी तो बॉडी में जो भी आ, कहना चाहिए एब दिखती हैं माने नॉर्मल से जो अलग चीज़ दिख रहा है कोई भी सिम्टम दिख रहा है तो उस सिम्टम के प्रति जो है हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए और डॉक्टरों के पास टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है निगेटिव आएगा तो बहुत अच्छी बात है अगर पॉजिटिव आया तो आप ये सोचिए कि उसका इलाज जो है वो बहुत जल्द शुरू हो सकता है तो इस तरीके से ये जैसे एड्स वायरस की हमने बात की तो जो लक्षण है वो बार बार बुखार आता है दस्त आते हैं और क्या क्या लक्षण है उसकी भी बात करते हैं त्वचा पर घाव बन जाते हैं कम काम करते हैं जल्दी थक जाते हैं मुंह में छाले आते हैं रात में पसीने आता है और बार बार जैसे बुखार भी आ रहा है और बातचीत करने में भी कष्ट का अनुभव होता है क्योंकि इम्यून सिस्टम धीरे धीरे क्या हो रहा है वीक होते जा रहा है और फिर जो है स्मरण शक्ति जो है वो भी प्रभावित होती है तो इस तरीके से ये लक्षण जो है इस एड्स वायरस के जो है वो शो होते हैं बच्चों एड्स के संक्रमण की बात करते हैं यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति कैसे फैलता है तो सबसे पहली बात जो है ये अनैतिक यौन संबंधों से फैलता है सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है इसके फैलने का है वो यही है आ, दूसरा जो है यदि इन्फेक्टेड पर्सन है उसका यदि ब्लड जो है किसी हेल्दी व्यक्ति को दे दिया गया है यानी ट्रांसफ्यूशन में ब्लड ट्रांसफ्यूशन में यदि दे दिया गया है तो ये दूसरा तरीका है और तीसरा जो तरीका है कि यदि इन्फेक्टेड पर्सन का जो यूज़ की गई जो इंजेक्शन्स हैं उसको यदि दोबारा उपयोग में लाते हैं तो उसके जरिए भी ये फैलता है और एक और रीज़न है कि यदि कोई इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके ज़रिए जो है यानी प्लेसेंटा के जरिए जो गर्भस्थ शिशु है वो भी संक्रमित हो सकता है तो ये मेजर जो है वो चार रीजन्स हैं जिसके जरिए जो है ये इसका संक्रमण जो है एक व्यक्ति से यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को वो फैलता है अब इसके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि ये छूने से छींकने से खांसने से नहीं फैलता है आ, ये जो है यानी ये बीमारी जो है यानी ये जो वायरस जो है वो कैसे फैलता है शरीर में जो द्रव बहता है यानी जो फ्लूइड्स है उसके जरिए तो एक फ्लूइड जो है ब्लड है और दूसरा जो है माँ जब आ, बच्चे को जो फीड कराती है जो माँ का दूध है उसके ज़रिए जो है फैलता है तो यदि कोई इन्फेक्टेड लेडी है तो वो डॉक्टरों की सलाह से जो है वो जो बेबी पाउडर मिल्क है उसको देकर जो है इनसे जो है वो बचा जा सकता है तो कहना चाहिए कि ये बीमारी तो कहना चाहिए इसका कोई उपचार नहीं है आ, बट जो पेशेंट्स हैं उनके साथ जो है एक बहुत अच्छा माहौल देकर जो पर्यावरण जो देकर और फिर वैज्ञानिक तरीके से उनको अपने साथ रखकर जो है यदि साथ में लेके चलेंगे तो ये बहुत अच्छे से जल्दी से भी ठीक हो सकते हैं ठीक होने का मतलब कि वो बीमारी से नहीं निजात पा सकते हैं लेकिन एक कम्युनिटी में यदि इनको सहयोग दिया जा सकता है तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में इनकी लाइफ जो है वो ज़्यादा हो सकती है uh, अब कुछ संस्थाओं की बात करते हैं जैसे एक संस्था है एन यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये एन ये संस्था जो है हमारे देश में चल रही है अब ये जो है बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो कराती है ताकि लोगों को अवेयर कर सके जागरूकता फैला सके क्योंकि जागरूकता के ज़रिए जो है इससे बचाव किया जा सकता है और डब्ल्यू एच ओ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम करता है ताकि एड्स से बचाव किया जा सके जैसे कि आ, पहली बात जो है ब्लड बैंक को बार बार हिदायत दी जाती है कि जब भी ब्लड जो दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जा रहा है यानी ट्रांसफ्यूशन के समय जो है उसका टेस्ट होना चाहिए फिर जो प्राइवेट हैं गवर्नमेंट हैं हॉस्पिटल्स हैं क्लिनिक्स हैं वहाँ पर जो है डिस्पोजेबल सिरिंज का ही उपयोग होना चाहिए और फिर लोगों को सुरक्षित यौन संबंधों की ओर प्रेरित करना चाहिए और लास्ट में यदि बात कहें कि यदि कोई इन्फेक्टेड हो भी गया है तो इसे छिपाना नहीं चाहिए क्योंकि अगर छिपाया गया तो इसका जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी से और में फैल सकता है तो इस तरीके से डॉक्टर और समाज और जो वो रोगी है ये आपसी सहयोग से जो है इस बीमारी से कहना चाहिए पहली बात तो बचा जाना चाहिए और यदि ये हो गया है तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर तैयार करके उनको अलग नहीं करना है क्योंकि ये छीन जैसे बात की थी कि ये छूने से छींकने से खांसने से नहीं फैलता है तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर यदि तैयार किया जाएगा तो डेफिनेटली इस रोग से बचाव किया जा सकता है और महत्वपूर्ण बात जो है ये रोग जो है बहुत ज़्यादा जल्दी से फैलता जा रहा है बहुत ज़्यादा लोग जो है इससे इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो बहुत सारे लोग इसके कारण जो हैं उनकी मृत्यु भी हो जा रही है तो इसके बारे में जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी अवेयर करें खुद भी अवेयर हों और इससे बचें